Okay friends, let's start how to make SPC in Excel. ये आपको मैं SPC का theoretical part last video में पढ़ा चुका हूँ. आज के video में आपको पढ़ाने वाले हैं कि SPC को आप Excel में कैसे बनाओगे. Okay? तो Excel में SPC को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो part की information होनी चाहिए, कौन से part में कौन सी critical dimension के लिए आप SPC करने वाले हो. तो एज यू नो कि जो सीपीसीपी की हम किसी भी डायमेंशन के लिए नहीं निकाल सकते, ओनली वी कैन कैलकुलेट फॉर क्रिटिकल डायमेंशन, दैट इज नोन एज सीटीक्यू. ओके, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन से. पहला आपका यहाँ पे पार्ट नेम क्या है, स्टैकिंग हाइट. पार्ट नंबर क्या है, C720A4620. सैम्पल साइज है 50 नंबर. हम 50 सैम्पलों के लिए क्या करेंगे, एसपीसी कर रहे हैं. yes. किस इंस्ट्रूमेंट के से हम जो एसपीसी करने वाले हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायल गेज. इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, जिस पार्ट की करेक्टरिस्टिक्स के लिए जो कर रहे हैं हम, 6.95 प्लस माइनस 0.05. ऑपरेशन क्या है, कौन से ऑपरेशन के लिए हम सीपीसीपी कर रहे हैं, स्टैकिंग के लिए. स्टैकिंग एक ऑपरेशन का नाम है. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एसपीसी करने वाले हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm. किस मशीन पर कर रहे हैं, उसका नाम है हॉरन असेंबली मशीन. ऑपरेशन का नाम है स्टैकिंग. नंबर ऑफ डेसिमल, कितने डेसिमल तक हम जो है ऑब्जर्वेशंस लेंगे, 2 डेसिमल तक. सप्लायर इन हाउस का पार्ट है ये. डेट, इस डेट को बना रहे हैं. डॉक्यूमेंट नंबर आप चाहते हैं आप जो भी कुछ डाल सकते हो. क्वांटिटी कितनी है, 50 पार्टों के लिए हम सीपीसीपी की वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको ये जो 1 to 10 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका सब ग्रुप साइज. क्या दिखा रहा है, सब ग्रुप साइज, कि आपने जो है कितने नंबर ऑफ इंटरवल में आपने पार्ट कलेक्ट किए हैं, 50 पार्ट जो कलेक्ट किए हैं. ये जो दिखा रहा है 1 to 5, ये दिखा रहा है सैंपल साइज. ओके, जब फर्स्ट इंटरवल यानी वहाँ फर्स्ट टाइम पर आपने 5 पार्ट सेलेक्ट किए, उनकी आपने मेजरमेंट ली, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. फिर सेकंड इंटरवल पे आपने जो है 5 पार्ट सेलेक्ट किए, ये 5 पार्ट की आपने रीडिंग ली. फिर तीसरे इंटरवल पे आपने 5 पार्ट सेलेक्ट किए, इनकी रीडिंग ली, ऐसे 4 के लिए अप टू 10 तक. ओके, ये जो आपकी जो 1 to 10 ये इंटरवल है, ये टाइम बिंग भी हो सकता है कि आपने मान लो 9 बजे ली, फिर आपने 10 बजे ली, या 11 बजे ली, फिर 12 बजे ली. ओके, और जब जितनी बार आप जो है सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, उस सैंपल का साइज होना चाहिए 5, यानी एक बार में आप 5 पार्ट कलेक्ट करके उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हो. ठीक है, तो सब ग्रुप साइज हो गया यहाँ पे 10, सैंपल साइज हो गया 5. यहाँ पे UTL का मतलब है अपर टॉलरेंस लिमिट. अपर टॉलरेंस लिमिट कितनी होगी मेरे पास, 6.95 प्लस 0.0597. लोअर टॉलरेंस लिमिट कितनी हो गई, 6.9 माइनस 0.05, तो 6.9 हो गई. 6.95 में से अगर मैं 0.05 माइनस करूँगा तो. ओके, ये मेरा टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल. मैं आपको इसकी आपको स्टैंडर्ड टेबल दे भी चुका हूँ. जब हम एसपीसी बनाते हैं तो अपना जो है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो इधर आ गया सैंपल साइज 1 to 5. ए D2 जो मैंने बताया था, कॉन्स्टेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं ये, D2 A2 D4 D3. तो D2 की वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक कितनी वेरी कर रही है. A2 की वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, D4 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, D3 की वैल्यू कहाँ से लेंगे. ये D3 की वैल्यू मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो है अगर सैंपल साइज मेरा 6 है या 6 से कम है तो D3 की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज क्या रहेगी, 0. ठीक है, इसीलिए हम जो है मैथमेटिकली जब SPC करते हैं तो सैंपल साइज ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सैंपल साइज 5 ही रहने दें. अब जो है ये हमने सारी 10 के 10 पार्टों की हमने क्या ले लिए, मेजरमेंट ले ली. ठीक है, विद इन ए सैंपल साइज 5. अब ये फर्स्ट सैंपल की जब मैंने 5 पार्ट यहाँ पे चेक किए तो मैंने इनका क्या निकालूंगा, एवरेज. एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा, बराबर AVG लिखूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, ब्रैकेट बंद. तो यस, आ गया एवरेज. बड़े जोर से बोलो यार. अब ये इसको क्या करना है, दोबारा मेरे को सबके लिए बराबर फार्मूला नहीं लगाना है. एक बार फार्मूला लगाने के बाद कॉर्नर से मैं इसको स्ट्रेच करूंगा और खींच देना है. ठीक है, ये हो गया रेंज.
अब रेंज ये ऊपर वाला हो गया एवरेज, अब रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्स इसको सिलेक्ट करूंगा, मैक्सिमम में सी में से निकाल रहा हूँ, माइनस मिनिमम, मिनिमम भी ब्रैकेट स्टार्ट, मिनिमम भी मेरे को इन में से चाहिए, ओके ब्रैकेट बंद एंटर, ठीक है। अब ये जो है मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये क्यों नहीं ठीक हुई है, ये गलत गड़बड़ हो गई ना यहाँ से, इसका जो है सिलेक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक होना बी जा रहा है, ओके अब इसको करना है 0.01। अब बार बार फार्मूला नहीं लगाना है आपको, इसको स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। एक बार रेंज निकालने के बाद सीधा आप इसको स्ट्रेच कर दो। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्स डबल बार, एक्स डबल बार कैसे निकलेगा, एवरेज का एवरेज, ए एवरेज का भी एवरेज, मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट वन एंटर, यस ठीक है, ये आ गया आपका एक्स डबल बार। आर बार कैसे निकालोगे, आर यानी जो मैंने रेंज निकाली है उस रेंज का एवरेज, यानी ए बी जी इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद एंटर एंड यस, ओके यहाँ पे एक्स डबल बार आ गया। अब मुझे निकालना है सी पी, सी पी क्या होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, यू एस एल माइनस एल एस एल डिवाइड बाई 6S, S क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा को मैंने S से रिप्रेजेंट किया है। तो कैसे निकालते हैं, इसका जो फार्मूला है R डबल बार डिवाइड बाय D2, ओके। अब कैसे निकालेंगे सिग्मा, इसके लिए बराबर R डबल बार मेरा कहाँ है, ये रहा, डिवाइड बाय D2, D2 पांच सैंपलों के लिए कितनी है, 2.326, पांच सैंपलों के लिए कितना है 2.326, मैं यहाँ पे इसको एंटर मार दूंगा, तो ये आ गया मेरा सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आ गई, ठीक है। सी पी कैसे निकलता है, सी पी का फार्मूला क्या होता है, यू एस एल एल एस एल माइनस डिवाइड बाय 6 सिग्मा, तो यू एस एल क्या है मेरे पास, यानी यू टी एल, ठीक है, माइनस एल एस एल यानी एल टी एल लोअर टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, डिवाइड बाय 6S, यानी 6 इंटू में S, ठीक है, ये आ गया, बट ये गड़बड़ इसलिए आ रहा है, इसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे 6S की वैल्यू अलग से लिख लो, कितनी हो जाएगी 6S की वैल्यू, 6 मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, 6S, ऐसे ही 3S की निकाल लेते हैं, टू में थ्री, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई 6S एंड 3S की, 6 सिग्मा एंड 3 सिग्मा की, है ना। अब निकालो USL माइनस LSL, यानी USL कितना है मेरा, UTL कितना है, माइनस LTL ये है, डिवाइड बाय 6 सिग्मा मेरा ये रहा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1.21। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी इसको पॉइंट को कम कर लूँगा, सी पी के लोअर कैसे निकलता है, एक्स डबल बार माइनस एल एस एल यानी एल टी एल, ठीक है, डिवाइड बाय 3S मेरा ये रहा, ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, तो कितना आ गया 1.124, इसको मैं कम कर लूँगा, सी पी के अपर का फॉर्मूला क्या होता है, यू एस एल माइनस एस डबल बार, यानी यू टी एल माइनस एक्स डबल बार, एस डबल बार मेरा ये रहा, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाय
थ्री सिग्मा हेयर एंटर ओके तो कितना आया 1.29 ठीक है 1.3 आ गया राउंड ऑफ में तो मेरे पास जो सीपी की वैल्यू तो आई है सीपी कितनी आई है सीपी की वैल्यू सीपी की वैल्यू आई है मेरे पास 1.21 सीपीके की वैल्यू कितनी आ गई है 1.12 ठीक है 1.12 क्योंकि इनमें से मिनिमम लेना होता है ना तो इन दोनों मिनिमम को यार कौन सा है 1.12 ठीक है यानी मेरा सीपीके की जो वैल्यू है 1.12 है और सीपीआर है 1.2 यानी मेरा प्रोसेस कंट्रोल में है क्योंकि सीपीके की जो वैल्यू वैसे तो 1.33 चाहिए इसके लिए बट अगर मैं ये देखूं कि मेरा प्रोसेस जो है अंडर टॉलरेंस चल रहा है तो यहाँ से इंडिकेट ये हो रहा है सीपीके जब मैंने आपको बताया था सीपी की वैल्यू अगर 1 है और सीपीके की वैल्यू 1 है तो मेरा प्रोसेस टाइटली फिटिंग चल रहा है स्पेसिफिक लिमिट में तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि स्पेसिफिक लिमिट में मेरा जो प्रोसेस है चल रहा है ठीक है बट अभी भी दिस इज नॉट एक्यूरेट क्योंकि मेरे को सीपीके की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पर 1.33 ठीक है तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ येल्लो कलर कर देते हैं इसको येल्लो का मतलब है कि अभी आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अब इसको मुझे कंट्रोल चार्ट में दिखाना है रेंज को एंड एक्स बार को यहाँ पे जो है आपका एवरेज को सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट में जाओगे लाइन चार्ट ले लेना है ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा क्या इसको लेआउट में जाके वो दे दो चार्ट का टाइटल एक्स बार चार्ट क्या है ये एक्स बार चार्ट अब ऐसे ही तुमको क्या करना है आर बार चार्ट लेना है इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को यहाँ तक इंसर्ट में जाएंगे आर बार चार्ट ओके इसको डिलीट कर देना है यहाँ पे और आपको इसका टाइटल दे देना है लेआउट में जाके आर बार चार्ट इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं आर बार चार्ट ठीक है ये मेरा आ गया एक्स बार चार्ट ये आ गया आर बार चार्ट अभी कंट्रोल लिमिट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मुझे पता लगेगा कि मेरी जो मैं जो लिमिट कैलकुलेट करूँगा ना वहाँ से इसको बढ़ा दो थोड़ा सा ये कंट्रोल में चल रहा है नहीं चल रहा कैसे पता लगेगा मेरे को कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो कंट्रोल लिमिट कैसे करते हैं कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट तो अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट के लिए फार्मूला होता है एस डबल आर प्लस ए टू आर बार बराबर डालेंगे एस डबल आर मेरे पास ये रहा प्लस ए टू की वैल्यू मेरी 5 सैंपलों के लिए 0.59 इसके अंदर ठीक है इन टू में ए टू आर बार मेरा ये रहा ठीक है एंटर कर दूंगा इसको मैं क्यों नहीं लिया इसका कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार ए टू मेरा ये रहा इन टू में आर बार ये रहा तो मैं मान लो इसको ब्रैकेट ये कर दूँ ब्रैकेट डाल देता हूँ इतनी गड़बड़ हो रही है इसके अंदर गड़बड़ क्या हो रही है
एक्स डबल बार मेरे पास क्या रही रहा, प्लस ए टू आर बार, ए टू आर बार मेरे पास पांच सैंपलों के लिए ये रहा, इनटू में आर बार, ठीक है, याद है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको मैं दिखा दूँ आपको, एक्स डबल बार ये रहा, प्लस ए टू आर बार यहाँ से ले लिया, इनटू में आर बार ये रहा, ये इसकी थे, ए टू की वैल्यू यहाँ से आ गई और आर बार की वैल्यू यहाँ से आ गई, एंटर किया, गड़बड़ हो जाती है, चलो समझ आ गया था ना, इसकी वैल्यू इन तक छोड़ देते हैं, तो वैल्यू यानी इसकी 6.953 आ गई। अब निकालना है मुझे LCL यानी लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार के लिए, जिसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, ठीक है, तो एक्स डबल बार का क्या फार्मूला, यहाँ से एक्स डबल बार कहाँ है, माइनस ए टू ये रहा, इनटू में आर बार, आर बार मेरे पास ये रहा, इंटर, एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, तो सेल की गड़बड़ होगी उसमें, ठीक है, तो आपका कितना आ गया है 6.927, तो यानी 6.96 6.927 अपर कंट्रोल लिमिट, आप यहाँ पर देखोगे ये 7 है ये 6 है, ठीक है, तो यानी कंट्रोल में चल रहा है ना। अब अपर कंट्रोल लिमिट फॉर आर बार के लिए क्या फार्मूला होता है इसका, अपर कंट्रोल लिमिट का डी फोर आर बार, डी फोर, डी फोर कहाँ है मेरे पास, ये रहा, पांच सैंपलों के लिए 2.11 है, इनटू में आर बार, आर बार ये रहा, डी फोर ये रहा, इनटू में आर बार ये रहा, तो कितना आ गया 0.067, ठीक है, तो डी थ्री आर बार, डी थ्री, डी थ्री कितना है, इसको पहले यहीं पर कॉपी कर लेते हैं, नहीं ये भी गड़बड़ कर जाएगा, डी थ्री मेरा, डी थ्री ये रहा जीरो है, ठीक है, और इनटू में आर बार करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, तो इसको मैं जीरो लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, जीरो आ गया क्योंकि डी थ्री मेरा पांच सैंपल के लिए जीरो है, तो यानी अपर कंट्रोल लिमिट के लिए आर बार का 0.06 आया, ये मेरा जीरो रहे तो ही ठीक रहता है, ओके। ये हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया है, हिस्टोग्राम का मैं आपको पहले बनाना बता दिया कैसे बनाते हैं, तो ये इंटरवल हो गए इसके यहाँ तक, ये होगी फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, डायरेक्ट आपका टूरी ग्राफ ले लूँगा, तो बन गया आपका ये हिस्टोग्राम, ठीक है, ये हिस्टोग्राम बन गया, तो ये कंप्लीट हो गई तुम्हारी SPC, ठीक है। स्टार्ट हमने किया था जनरल इन्फॉर्मेशन से, ऑब्जर्वेशन ली, एवरेज निकाला, रेंज निकाला, ये UTL है, LTL है यानी USL, LSL है ये हमारी, ये टेबल है मेरा, D2A2, D4, D3 की वैल्यूज हैं, यहाँ पे मैंने CPK निकाला और यहाँ पे फिर चार्ट पर ड्रॉ कर दिया और ये हिस्टोग्राम निकाल दिया, ओके, डन, बना लोगे अब।